अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहसिन सबरा है और मैं BTH का स्टूडेंट हूँ। अभी 27 अगस्त 2022 को मैं जो है पाकिस्तान से लाहौर से ट्रैवल करके तो कार्लस कुरना में आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का टूर वगैरह, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं, यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आप कैसे यहाँ पे स्टैंड अप मोड के ऊपर मींस के स्टूडेंट इस तरह से बड़े कम खर्चे के ऊपर जो है अपना सर्वाइवल कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो दोस्त, एक ताहिर खान और दूसरा है हुसनैन अली। तो चलिए मैं उनके साथ आपको तारफ करवाता हूँ। तो मेरे साथ ताहिर भाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताहिर भाई पेशावर बाजोड़ से ताल्लुक रखते हैं और स्टूडेंट है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे BTH के अंदर। हम दोनों पाकिस्तान से हम आए, हम दोनों वहाँ पे एक क्लास में थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। तो हम लोगों ने अप्लाई किया सिंपल सी, तो हम लोग आए इधर, हमें एडमिशन मिल गया यहाँ पे। हमें अभी जो है ना, हम अभी थोड़ा एक्सपेंसिस थोड़े ज़्यादा है लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगी। तो आने में इतना मुश्किल नहीं हुआ, बड़ा आसानी से हम लोग आए यहाँ पे, एडमिशन मिल जाते हैं ठीक है। यहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सेट होने में इतना टाइम नहीं लगता, बड़ा ईजी है। ओके गाइस, तो ये थे ताहिर भाई। तो अगला बंदा जो मैं आपके साथ मिलवाने जा रहा हूँ वो है हुसनैन अली, हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट हैं और अभी हमारे साथ ये यूरोप आ चुके हैं BTH यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए आपसे मिलवाते हैं इनको। हुसनैन भाई ठीक है? ये हुसनैन भाई हैं। हुसनैन भाई कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात सिटी से हूँ, पाकिस्तान से। अच्छा हुसनैन भाई, आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे किस डिग्री के अंदर आए हैं? मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में आया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का आपका? अभी अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई मुश्किल नहीं है इतना, बस ये है कि लगे रहो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। दिल में ये ना कहें कि ना हुए थे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ओके गाइस, ये हुसनैन भाई हैं, IT से इनने डिग्री की है, PSIT यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अभी हम तीनों, बल्कि एक लोग, एक लड़का हमारा गया हुआ है ज़रा जिन शॉपिंग, वो जगह है, वो अपनी जॉब के लिए गया हुआ है वहाँ पे। तो अभी हम लोग जो है पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग डेज है। 3 किलोमीटर हमारे पास जो है डिस्टेंस, हम रोज 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। ये हमें 4 महीने तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि तो यहाँ पे अभी हमारे पास वो बैंक अकाउंट नहीं बने ना, तो इसलिए हमें इश्यू है कि गाड़ी शर्ट वगैरह का। तो हम पैदल जाते हैं रोज 3 किलोमीटर ठीक है। हाँ जी, तारे बता रहे हैं कि हम 3 किलोमीटर रोज जो है वो ट्रैवल करके जाते हैं, 3 किलोमीटर वापस आते हैं, टोटल हो गया 6 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग की लाइफ आप ये हिसाब लगा लें कि इतनी इजी नहीं है कि आपको 6 किलोमीटर रोज का ट्रैवल करना पड़ रहा है और वो भी एक क्लास अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको असाइनमेंट्स, क्विजेस, क्लास के अटेंडेंस, वो सारी चीज़ें बड़ी पूरी रखनी पड़ती हैं। तो चलिए मैं आस्ता आस्ता आपको दिखाता हूँ साथ साथ, और ये बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इस यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू था तो मैंने सोचा इसकी एक छोटा स्नैप लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी कश्तियाँ भी पड़ी हुई हैं और साथ में लोगों के घर हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह बनी हुई है, आप पीछे देख सकते हैं। लें जी, हमारा कैंपस ग्रेड्सविक, ये हमारा स्टॉप है, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। लें जी, हमारी यूनिवर्सिटी आ गई है और इसके अंदर यहाँ पे कुछ इसके ब्लॉक्स हैं तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये जी सी ब्लॉक है BTH यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, ये एंट्री लिखा है जहाँ पे ए सेक्शन। उसके बाद ये ब्लॉक है, वो सामने एक ब्लॉक है, उसके बाद एक वो सामने ब्लॉक है। तो चलिए हम एंटर वाले ब्लॉक में चलते हैं, हमने जाना है लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे डिस्कशन हॉल है, वहाँ पे चलते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे एंट्री पे चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये जी ए ब्लॉक है, ये
ये आप देख सकते हैं जी, स्टूडेंट्स के बैठने की जगह बनी हुई है और सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं। उसके बाद ये है जी मेन के एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं आपको जो है एंटरटेन करते हैं। उसके बाद एक जगह ये बैठने वाली है, काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई बैठने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो शायद इनका लंच का टाइम हो गया है इसलिए हम जो है ना थोड़ा लेट हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। ये ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए छोटी छोटी इन्होंने ना ये बनाई हुई हैं, काइंड ऑफ ब्रिजेस हैं, बालकनीज टाइप हैं। बालकनी के अंदर से हम जा सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, दो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए नहीं बनाई हुई है। आप यहाँ से चेक करें कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल सी के ऊपर है और बड़ा अच्छा व्यू यहाँ से आता है। चलिए हम चलते हैं। अब देखिए खुद बहुत दरवाज़ा ओपन हो गया है, यहाँ पे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं और इसके बाद हमारे पास हैं जी यहाँ पे कुछ बैठने की जगह हैं और हमने जाना है लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लाइब्रेरी वाली जगह है, इधर हम चलते हैं। जी गाइस, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन हॉल में बैठा हूँ, ये लोग मेरे साथ हैं, ये वाला और ये वाला, और ये है डिस्कशन हॉल यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, लोग जो है बैठ के काम शाम कर रहे हैं, अभी मैं भी एक क्लास ले रहा हूँ, तो चले मिलते हैं क्लास के बाद। तो गाइस अभी हम मौजूद हैं डिस्कशन हॉल के अंदर, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। और एक बहुत ही मज़े की चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो 24/7 ओपन होती हैं, संडेज वाले दिन भी आप आ सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी अच्छी जगह बनी हुई हैं, आप आएँ बैठें। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कशंस रूम्स हैं, यहाँ पर आप बैठ के जो है डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी देखिएगा। ये देखें यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पे बैठ के काम शाम कर सकते हैं। इसके अलावा रूम्स के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं रूम्स के अंदर स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे बैठ के काम शाम कर सकते हैं। बोर्ड्स वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन हॉल्स बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। उसके अलावा बोर्ड्स वगैरह हैं, फ्लेक्सिबल बोर्ड्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं कभी हुआ, आप देखें कि स्टूडेंट्स को कितना एंटरटेन करते हैं लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक रूम है, इसको आप असाइन करवा सकते हैं इनके पोर्टल के थ्रू। ये भी काफ़ी अच्छा रूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं आप इनको बोरो कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स हैं, मतलब कि नीचे टायर लगे हुए हैं, आप इनको ले कर जाके जहाँ मर्जी बैठें उन पे आप काम शाम करें। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और आप यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह, एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई यूनिवर्सिटी देती हो, तो यहाँ पर जो है तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को दी जाती हैं। ये चेक करें जी, हमारी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से समंदर का एक व्यू है। ये जी ए ब्लॉक है, सामने एंट्री स्टूडेंट के लिए रिसेप्शन है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बैठने की जगह बनी हुई है, लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल सामने जो है ये लैब है, उसके बाद अगेन डिस्कशन हॉल है वहाँ पर सामने। और ये जी हमारा हॉल है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है ये नीचे कैफेटेरिया है। इसके अलावा ये हॉल है जी, यहाँ पे लोग बैठ के काम शाम करें, पढ़ें,
खाएं पिएं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमारे कैफेटेरिया जी, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। कैफेटेरिया के अंदर लोगों को इन्होंने आप देखेंगे फ्रिज ओवन वगैरह दिए हुए हैं, आप यहाँ से यहाँ पे चीज़ें गर्म करें, आप यहाँ पे चीज़ें फ्रीज करें या रेफ्रिजरेटर को यूज़ करें, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा आप ये वाली मशीन चेक करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही मशीन लगी हुई है, आप बस के टिकट्स वगैरह यहाँ से ही बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है टिकट की, उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद आपने अपना गूगल पे, एप्पल पे या फिर अपना कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम बाहर आ गए हैं, आप देखें जी पीटीएच का जो जे ब्लॉक, ये जे ब्लॉक है और इसके बिल्कुल सामने जो है वो समंदर है, और एक ये ब्लॉक है, उसके पीछे ए ब्लॉक है, ये लाइब्रेरी है नीचे इसके। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे साथ ही उन्हें जो है हैंडबॉल के लिए जगह दी हुई है, आप खेलें यहाँ पे, बॉल वगैरह भी साथ ही पड़ा होता है। तो जी गाइस, मैंने आपको आज यूनिवर्सिटी का बेसिक सा टूर करवा दिया है, बाकी डिटेल टूर मैं अगली वीडियो आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो अभी तो मैं जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं कि यूनिवर्सिटी जाने तक के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कशन हॉल, इसके अंदर जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो इस व्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मोर डिटेल में बताऊँगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।